आगामी त्यौहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने आज शनिवार शाम 4 बजे तहसील कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक ली। बैठक में मोहर्रम और रक्षाबंधन भुजरिया का त्यौहार देखते हुए अनेकों निर्णय लिए गए। अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि मोहर्रम और रक्षाबंधन वाले दिन नल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और ताजिया को निकलने वाले मार्ग पर लाइट के तारों को ऊंचा करना, पेड़ों की छटाई करना और टेंट एवं कुर्सियों की व्यवस्था करना, जैसे सभी विभागों को आदेशित किया गया। विद्युत विभाग को लाइट व्यवस्था, नगर परिषद को नल साफ सफाई, टेंट कुर्सियों की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन को नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी SDM दिनेश चंद्र शुक्ला, नायब तहसीलदार राजेंद्र जाटव, नगर निरीक्षक सतीश सिंह चौहान, मंजिले आलम, श्रीमती दमयंती मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा, इंजीनियर अंकित गुप्ता, मुजीब खान, गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार मौजूद रहे। जैसा आप सभी को विदित है कि 9 अगस्त को मुहर्रम यहाँ पर मनाने की परंपरा है, तो मनाया जाएगा। तो उसके संबंध में हमारे TI साहब ने शांति समिति बैठक एक आहूत की, जिसमें आप सभी लोग और हमारे करेरा के सभी गणमान्य नागरिक गण उपस्थित हुए। इसमें दो तरह के इश्यू आए हैं कि एक तो जहां पर विसर्जन है वहां पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका करेगी, एक छोटा सा टेंट लगाएगी जिसमें राजस्व और पुलिस के कर्मचारी बैठेंगे, पत्रकारगण बैठेंगे वहाँ पर, क्योंकि 12 बजे देर रात तक वहाँ पर विसर्जन होता है, और रास्ते में साफ़ सफाई रखेंगे। साफ सफाई रखना वैसे भी उनका काम है, लेकिन उस दिन थोड़ी इंटेंसिफाइड हो जाएगी सफाई, तो अच्छा होगा। दूसरा इश्यू इस तरह का आया कि कहीं पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा डालियाँ झुक गई हैं तो उन्हें चॉप कर दिया जाए, यह एक अच्छा प्रस्ताव था, क्षति ना हो ताजी वगैरह को, तो इसलिए इस तरह के निर्देश नगर पालिका अधिकारी को दिए गए, जो स्वयं तो उपस्थित नहीं थे लेकिन उनके द्वारा सब इंजीनियर भेजा गया था, तो उनको मैंने निर्देशों से अवगत कराया। निश्चित ये भी चर्चा के दौरान ये मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि पिछले वर्ष मैं यहाँ पर नहीं था, तो उसके संबंध में भी निश्चित रूप से साफ़ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ डालने की भी व्यवस्था की है कि कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ पर, चूँकि शेड बने हुए हैं बाहर, तो टेंट की बात नहीं की, कुर्सियाँ डालें और साफ़ सफाई करें, और यही सारे सामान्य से काम होते हैं। अब बस इसके बाद मैं और हमारा पुलिस प्रशासन सभी अपने नगरवासियों से ये बिल्कुल रखी जाएगी। और आपने कहा कि पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया, पूर्व में भी SDM साहब के मार्गदर्शन में इनकी मीटिंग ली गई थी और सभी को जो है हिदायत दी गई थी, और बीच में नियंत्रित भी रहा। आगे और फिर प्रयास करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ साउंड वगैरह नियंत्रित हो और समय से ये DJ बंद कर लें।